तो स्वागत है आप सभी के अपने फैंटेसी यूट्यूब चैनल फैंटेसी विनर्स में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान मैच नंबर दोस्तों 7th जो होने वाला है एशिया कप का। इसकी हम दोस्तों ग्रैंड लीग की टीम देखने वाले हैं, किसे रखना है किसे नहीं रखना सब कुछ बताऊँगा दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एशिया कप का दोस्तों 7th T20 मैच खेले जाएगा ये। अगर दोस्तों मैं वेन्यू की बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों शारजा क्रिकेट स्टेडियम के शारजा में होने वाला है ये मैच। अगर आप बात करो डेट की तो 3 सितंबर 2022 को 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर दोस्तों देखोगे कि कौन इस मैच को जीत सकता है, तो ज़्यादातर लोग जो बोल रहे हैं दोस्तों 57% 18,000 लोग वो बोल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों श्रीलंका विन करेगी। पर यहाँ पर मैं दोस्तों मैं ज़रूर बोलूँगा यहाँ पर श्रीलंका को अफगानिस्तान की टीम ने एक तरफा हराया था, मतलब लड़ाई भी नहीं हुई थी उस मैच में, ठीक है। हाँ आप ये मान सकते हो गुरबाज आउट हो गए थे क्योंकि मतलब हर बॉल पर वो मारने जा रहे थे, वनिंदु असरंगा ने आउट कर दिया था। पहला मैच हुआ था एशिया कप का, तो वहाँ पर मतलब ये इस टीम को हरा कर आ रही है आपकी अफगानिस्तान की टीम, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा अफगानिस्तान का ज़्यादा चांस है, आप 60% अफगानिस्तान को मान सकते हो। हाँ पर श्रीलंका लास्ट मैच मतलब बहुत बड़ा स्कोर चेस कर कर आई है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मैच जीत सकती है श्रीलंका की टीम, ठीक है। अगर आप टीम फॉर्म देखोगे दोस्तों तो ये क्या दिखा रहा है आपको, ये दिखा रहा है दोस्तों कि अफगानिस्तान की टीम लास्ट 5 मैच से यहाँ पर पहला दूसरा मैच जीती है, थर्ड हार गई थी, और एशिया कप की ये दोनों मैच जीत कर मतलब लास्ट मैच हार कर आ रही थी वो एशिया कप में जब आई थी, और अब लगातार 2 मैच एशिया कप के इन्होंने जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो श्रीलंका को हराया था, सेकंड बांग्लादेश को हराया था। अब यहाँ पर दोस्तों अगर इनकी बात करते हैं आप, तो यहाँ पर देखिएगा ये हार कर मतलब हारे थे, उसके बाद यहाँ पर फिर जीते। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा पहला मैच एशिया कप का ये हार गए थे मतलब, और यहाँ पर लास्ट मैच ये जीत चुके हैं आपको भी पता होगा बांग्लादेश से। तो यहाँ पर अगर आप हेड टू हेड देखोगे तो दोस्तों 1-1 दिखा रहा, पर एशिया कप में ही हराया है आपकी अफगानिस्तान की टीम ने, तो इनको ये जरूर रहेगा कि हम पहला ही मैच वो भी बहुत ही बुरी तरीके से हारे थे, ठीक है। आप ये जरूर रहेगा अगर अफगानिस्तान की टीम यहाँ पर टॉस हार गए तो फिर उन्हें मतलब अभी तक उन्होंने चेज़ ही किया है, चेज़ में मतलब उन्होंने कर लिया, पर अगर पहला बैटिंग आती तो फिर वो कैसा करेंगे वो देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे ये एशिया कप का पहले मैच में यहाँ पर देखिए श्रीलंका ने 19.4 ओवर्स में यहाँ पर ऑल आउट हो गई थी 105 रन पर, और आपके 106 बनाती थे 10 ही ओवर में 10.1 में, आप मान सकते हो 59 बॉल बाकी रह गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर 8 विकेट से जीत गई थी आपकी अफगानिस्तान की टीम। ओके तो ये आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोस्तों मतलब वर्ल्ड कप में हुआ था 2016, अब वहाँ पर तो हम नहीं जाएंगे मतलब इतना पीछे, क्योंकि यहाँ पर आपके राशिद खान इतने मतलब उस टाइम पे खेलते थे पर नेशनल टीम से नहीं खेलते थे। ओके तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर टीम कंपैरिजन बोलता हूँ उससे पहले ज़रूर बोलूँगा दोस्तों आपको टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा, यहाँ से मैं आपको लिंक दे दूँगा, या तो आप वहाँ से जा सकते हो या आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी विनर्स ऑफिशियल, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अगर 10 मैचेस की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा अब ये रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं, ये आपको प्लेयर मतलब आप ये मान सकते हो फैंस नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों जो मतलब रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं वो 70% अफगानिस्तान का दिखा रहे हैं कि वो जीत सकती है, और 30% आपकी श्रीलंका इस मैच को विन कर सकती है। एवरेज स्कोर देखिएगा ये दोस्तों आपकी श्रीलंका का ज़्यादा है 147 है, आपकी अफगानिस्तान का 139 है, पर यहाँ पर 8 रन ही पीछे है आपके अफगानिस्तान की टीम। हाईएस्ट स्कोर देखोगे तो फिर यहाँ पर आपकी अफगानिस्तान की टीम 5 रन आगे है, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इन सब ऐसा कोई मतलब नहीं है। पर आप ये जो रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं दोस्तों लास्ट 10 मैचेस के अगर आप वो देखोगे फिर तो आप ये मान सकते हो कि मतलब अफगानिस्तान की टीम जीतने वाली इस मैच को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको 22 मैचेस के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर बैट फर्स्ट करते हुए दोस्तों यहाँ पर कितने मैच 59% मैचेस विन हुए हैं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बड़ा स्कोर बनाते हो तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगा, मतलब अगर आप 200 से पार करते हो या 200 180 90 बनाते हो तो वो चीज़ नहीं होगा। पर यहाँ पर देखिएगा बॉल फर्स्ट में क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर,
हाँ दोस्तों, एक चीज़ और आपको याद रखनी होगी, साझा क्रिकेट स्टेडियम पर दोस्तों आपकी जो मतलब श्रीलंका की टीम है, इसने नहीं एक भी मैच नहीं खेला है, जबकि आपकी अफगानिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को इसी मतलब वेन्यू पर हराया है, ठीक है, वो भी बहुत कम स्कोर पर, ठीक है, मतलब उनको 130 ही नहीं बनने दिए थे, तो इतना कम बनने, हाँ, और वो पहले बैट फर्स्ट कर रहे थे टॉस जीत कर, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना होगा। और वहाँ पर किसने स्पिनर्स ने ज़्यादा विकेट लिए थे, इनके मुजीब रहमान ने 3 लिए थे और आपके राशिद खान ने लिए थे, 1 रन आउट हो गया था। मोहम्मद नबी ने उस दिन कुछ नहीं लिया था, वैसे उनको 1 विकेट मिलना था पर नहीं मिला था, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए आगे चलता हूँ दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर आप पेस वर्सेस स्पिनर देखोगे तो दोनों का बराबर है, 50-50% है। रिसेंट वेन्यू पर देखिएगा, ये मैच दिखा रहा है एशिया कप का, जो लास्ट मैच हुआ है दोस्तों वो अभी अपडेट नहीं किया गया है आपका, पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा अभी वर्ल्ड कप में हुआ था, यहाँ पर दोनों एक मजबूत टीम थी एक छोटी टीम थी। पाकिस्तान ने दोस्तों यहाँ पर 190 बनाए थे, यहाँ पर पहला बैटिंग करते हुए 4 विकेट लॉस्ट किए थे। स्कॉटलैंड की टीम 117 ही बना पाई थी यहाँ पर, ठीक है, 6 विकेट लॉस्ट करके 20 ओवर में, तो 72 रन से पाकिस्तान इस मैच को जीत गई थी। और यहाँ पर देखोगे दोस्तों, दोनों ही टक्कर की टीम थी, अब एक तरफा यहाँ पर मैच नहीं हुआ था, यहाँ पर बहुत ही लड़ाई हुई थी। पहले आपकी साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए यहाँ पर 189 बना दिए थे 2 विकेट लॉस्ट करके, और इंग्लैंड की टीम ने भी 179 बना दिए थे, मतलब 8 विकेट लॉस्ट हो गए थे। अगर ये दोस्तों ज़्यादा विकेट 6 विकेट लॉस्ट होते तो यहाँ पर ये स्कोर बन जाता, सिर्फ 10 मैच से यहाँ पर आपकी साउथ अफ्रीका की टीम जो थी वो जीत गई थी, ठीक है। ओके, मैं कुछ प्लेयर्स का दोस्तों आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अफगानिस्तान की ओर से देख लीजिएगा, मुजीब रहमान का दिखा देता हूँ आपको, मतलब क्योंकि उनका ज़्यादा सिलेक्शन है, तो ये देख लीजिएगा दोस्तों, मुजीब रहमान को पहला इतना अच्छा फॉर्म नहीं था, पर ये देखिएगा लास्ट 2 मैच में तो 3, लास्ट मैच में 3 लिए थे, उसके पहले 2-2, फिर यहाँ पर 0, ये आयरलैंड की टीम में मतलब ले सकते हैं आप, उससे पहले यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ ज़्यादा विकेट नहीं लिए थे, ठीक है। यहाँ पर 2 मैचेस अगर आप इस दिन के देखोगे तो अच्छा किया था, आपके राशिद खान ने लास्ट मैच में विकेट लिए थे, उसके पहले देखिएगा दोस्तों, ठीक है, उसके पहले 0 विकेट, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे देखिएगा 3 विकेट 0, 3 विकेट आयरलैंड, यहाँ पर ये 100 बॉल्स में गए थे एक मैच खेलने, वहाँ पर 3 लिए थे, फिर 1 विकेट 2 विकेट 0-0-0, इनको खुद को ही विकेट लेना पड़ता दोस्तों, इन्हें कोई मारता नहीं है, ठीक है, एक ओवर मारने जाएंगे पर उनको खुद को ही लेना होगा, क्योंकि क्वालिटी स्पिनर हैं, इनको सब डरते हैं, बहुत प्लेट करके इनका ओवर निकालते हैं। मोहम्मद नबी का देख लीजिएगा दोस्तों, ये आपको मतलब अगर दे सकते हैं दोस्तों तो सिर्फ विकेट से ही पॉइंट्स दे सकते हैं, बल्लेबाजी तो बिल्कुल चलती नहीं है इनकी अभी, मतलब आप ये मान सकते हो 8 रन 0 रन 5 रन 6 रन 9 रन, मतलब 10 रन भी किसी मैच में नहीं बना है, अब ये देखिएगा, ठीक है, आप इनके 10 मैच देखोगे तो 10 रन भी नहीं बने हैं 10 मैच में, ठीक है, किसी भी मतलब इसको 10 क्रॉस ही नहीं किया है। ओके, नमीनुल हक दोस्तों मतलब अच्छा कर रहे थे यहाँ पर आयरलैंड के खिलाफ, पर अभी इधर कुछ भी नहीं किया है एशिया कप में। हमें दोस्तों यहाँ पर सनाका का लास्ट मैच में अच्छा किया था इन्होंने, पृथ्वी निशंक का दोस्तों जो है इनका देखिएगा 20 रन लास्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, उसके पहले 3 रन 15 रन 10 रन 16 रन 6 रन 14 रन ऐसे बना रहे हैं, पर ये प्लेयर अच्छा है, मतलब आप ये मान सकते हो गुन्नत अली का से अच्छे हैं आपके, ठीक है। हसलंका का फॉर्म देख लीजिएगा आप, 1 रन 0 रन 29 रन 23 रन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों मैं बोलूँगा कि अच्छा किया था, ओडीआई इसमें तो अच्छा किया था और T20I में भी अच्छा किया था इन्होंने, पर ठीक है। उसके बाद असलंका ने यहाँ पर अगर आप ये देखोगे इनके यहाँ पर जो लीग होती ग्रीन्स, इसमें देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ था, 23 रन 29 रन, अब ये तो छोटी सी लीग थी, अब यहाँ पर दोस्तों नेशनल में तो लास्ट मैच में 1 रन पे उससे पहले 0 पे आउट हो गए थे, वैसे ये चलते नहीं है तो इन्हें नहीं रखना आपको, ठीक है। वेनंदु असरंगा का फॉर्म देख लीजिएगा, बैटिंग से ही इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, पर अगर आप दोस्तों यहाँ पर विकेट देखोगे तो 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 4 विकेट, ठीक है, तो आप ये मान सकते हो वेनंदु असरंगा का 1 विकेट तो लेंगे ही, 1 कैच लेंगे, आपको पॉइंट देंगे वहाँ से। और यहाँ पर तीक्ष्णा का देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, 1 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये यहाँ पर अब ये तो मतलब मान सकते हो लीग्स में कोई भी ले लेता है, यहाँ पर लेना बहुत मुश्किल होता है नेशनल टीम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा करुणा रत्ने का देखिएगा दोस्तों, अब वहाँ पर तो मार खाली थी पहले मैच में, तो उस मतलब लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे, उसका पहला भी देखिएगा यहाँ पर अच्छा फॉर्म है इनका,
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ODI में अच्छा किया था, एक मैच में 3 लिए थे, एक में 2 लिए थे, एक में कुछ भी नहीं लिया था, तो आप इन्हें रख सकते हो। चलिए ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कुछ प्लेयर्स का फॉर्म भी दिखा दिया, अब मैं आपको अपनी टीम्स दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों ठीक है, चलिएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारी फर्स्ट टीम होने वाली कौशल मेंडिस को रखा है विकेट कीपर सेक्शन से, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों बैट्समैन मैंने असलंगा को नहीं रखा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं फिफ्थ नंबर पर जो बैटिंग करने वाले हैं आपके भानुका राजापक्षा उनको रख रहा हूँ, ग्रैंड लीग में फर्स्ट टीम है ये हमारी। नवीजुल जादरान को रख रहा हूँ दोस्तों, जजाई को रख रहा हूँ, आर गुरबाज को छोड़ दिया है आपके, ठीक है, पथ्यम निशंका को रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे मतलब ये 5-4 बैट्समैन हो गए हैं, 2 यहाँ पर आपके इनकी ओर से। कुशल मेंडिस दोस्तों विकेट कीपर में हैं पर ओपनिंग ही करने आएंगे पथ्यम निशंका के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गुरबाज को नहीं रख रहा हूँ, आप चाहो तो रख सकते हो, ट्राई कर सकते हो भानुका राजापक्षा की ओर से, ठीक है। पर भानुका राजापक्षा दोस्तों आप ये मान सकते हो बहुत ही कम मैच में चलते हैं, पर ठीक है, मतलब उनसे ज़्यादा चलते हैं गुरबाज से, आप ये मान सकते हो, ठीक है। और गुरबाज यहाँ पर दोस्तों मतलब ओपनिंग करने आते हैं तो उनको मतलब पावर प्ले मिल जाता है, इनको नहीं मिलता है। अब देखिएगा ऑलराउंडर्स में मैंने किसे रखा है दोस्तों, मोहम्मद नबी को रखा है। ये अगर आपको जो पॉइंट्स देंगे दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग से दे सकते हैं और फील्डिंग से दे सकते हैं, बैटिंग ये मतलब 10 रन भी नहीं बनाए इन्होंने 10 मैच में। अगर आप ऐसा देखोगे मतलब 10 रन क्रॉस नहीं किया ऐसे, तो 5 रन, 2 रन, 3 रन, 9 रन ऐसे बनाए हैं पर 10 नहीं बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो मैं कैप्टन बना रहा हूँ करुणा रत्ने को बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन आनंदा हसुरंगा को बना रहा हूँ। आनंदा हसुरंगा दोस्तों आपको 1 या 2 विकेट लेकर दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों चमिका करुणा रत्ने को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट में डालेंगे आपके चमेरा नहीं है, तो ये पक्का डालने ही वाले हैं, भले मार मतलब इनको पड़ेगी तो भी, और अगर इनकी बैटिंग आ गई तो आप मान सकते हो इनसे उम्मीद कर सकते हो कि 15-20 रन ये आपको बना कर दें। तो यहाँ पर मैंने कैप्टन बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, फारूकी को रख रहा हूँ, मोहजुबर रहमान को रख रहा हूँ, राशिद खान को रख रहा हूँ, ये हमारी टीम होने वाली है, ठीक है। बॉलर्स में मतलब आप मान सकते हो 2 स्पिनर हो गए हमारी ओर, मतलब अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान हो गए और मोहजुबर रहमान हो गए और फारूकी हो गए जो ओपनिंग में और डेथ में डालेंगे। तो ये हमारी टीम होने वाली फर्स्ट। सेकेंड देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों कुशल मेंडिस लास्ट टीम में भी थे, यहाँ पर दोस्तों वाइस कैप्टन मैंने जादरान को कर दिया है, वहाँ पर वनंदो हसरंगा को किया था, जजाई लास्ट टीम में भी थे इसमें भी हैं। अब दोस्तों आई जादरान को रख लिया, ठीक है आपके, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों पश्चिम निशंका को मैंने नहीं रखा है, ये याद रखिएगा। और किसको नहीं रखा दोस्तों, यहाँ पर भानुका राजापक्षा को हटा दिया है, मोहम्मद नबी को लास्ट टीम में भी रखा था, वनंदो हसरंगा को भी रखा था, चमिका करुणा रत्ने को भी रखा था दोस्तों। अब कैप्टन दोस्तों जो मैं बना रहा हूँ वनंदो हसरंगा को बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन दोस्तों नजीबुल्ला जादरान को बना रहा हूँ इस टीम में। अगर आप देखोगे दोस्तों बॉलर सेक्शन से, तो 3 जो बॉलर्स थे आपके अफगानिस्तान की, मुझे परहमा राशिद खान आपके और फजल फारूकी, तो वो हमारे तीनों होने वाले हैं, बस एक तिक्षणा को रख लिया आपके भानुका राजापक्षा की ओर से, ठीक है, उनको हटा कर मतलब। तो ये हमारे बॉलर होने वाले हैं, तो ये हमारी सेकंड टीम होने वाली है। थर्ड टीम और दिखा देता हूँ आपको, कैप्टन दोस्तों वनिंद हसरंगा को बनाया है, नजीबुल्ला जादरान को दोस्तों वाइस कैप्टन बना रहा हूँ, फोर्थ नंबर पर बैटिंग करेंगे। और अगर आप दोस्तों यहाँ पर जो हमारी लास्ट टीम होने वाले हैं वहाँ पर देखिएगा, कुशल मेंडिस को रख रहा हूँ दोस्तों, गुरबाज को रख रहा हूँ, अब यहाँ पर जजाई को हटा दिया दोस्तों, ठीक है, आज जादरान को रख रहा हूँ और आपके नजीबुल्ला जादरान को रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे हो गए, और पश्चिम निशंका को रखा है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने भानु का राजापक्षा को इसमें भी नहीं रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ऑलराउंडर्स में मैंने दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नबी को हटा दिया है क्योंकि वो सिर्फ आपको मतलब बैटिंग से कोई पॉइंट नहीं दे सकते, अगर वो पॉइंट देंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब मान सकते हो बॉलिंग से ही देंगे, या तो फिर आपको एक हाथ कैच इनसे दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, वो बैटिंग से मतलब उनका फॉर्म है ही नहीं 10 मैच से, तो आप ये मान सकते हो। चमिका करुणा रत्ने को रखा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों को मतलब आप मान सकते हो, चमिका करुणा रत्ने को मार पड़ेगी तो भी मतलब उनको करना पड़ेगा क्योंकि वो सीनियर प्लेयर हैं आपके, दुश्मन था चमीरा तो है नहीं डेथ में डालने के लिए अभी, ठीक है। वाइस कैप्टन दोस्तों राशिद खान को कर रहा हूँ, और यहाँ पर नवीनुल हक को रख लिया दोस्तों आपके फजल फारूकी की जगह, ठीक है, तो इनको भी एक आध विकेट तो मिल सकता है क्योंकि ये खेलने वाले हैं, आप मान सकते हो भी यंग हैं, एक विकेट मिल सकता है, फैजल फारूकी को नहीं मिला तो इसलिए इसमें इनको ट्राई कर लिया। तिक्षणा को रखा है बस, और सैम टीम होने वाली, कैप्टन वनंदु हसरंगा को किया है,
वाइस कैप्टन आपके राशिद खान को किया है। दोस्तों उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम पर आप नहीं जुड़े हो तो यहाँ से जुड़ जाएगा। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।